नमस्कार दीदी, अवी हिन दफ़े कहिड़े क़िस्म जी ऑनलाइन सर्विस ॾेई रहिया आहियो? नमस्कार रोहन, हिन दफ़े असां अवां खे अलॻि अलॻि क़िस्मनि जी सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसिस, जीअं त बैंकिंग सुविधा, बीमा सुविधा, कास्ट सर्टिफिकेट जारी करण, रेज़िडेंट सर्टिफिकेट वग़ैरह जी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पारां ॿुधाईंदमि। इहो ॿुधण में ॾाढो सुठो थो लॻे। मूंखे बि ॿुधायो, इन खे इस्तेमालु कीअं करणो आहे? ज़रूरु रोहन, हलो अलॻि अलॻि क़िस्मनि जी ई ज़िला ऑनलाइन सेवाउनि सां शुरूआति कयूं। सभिनीनि खां पहिरियों, कास्ट सर्टिफिकेट, रेज़िडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जारी थियण शामिल आहे। नमस्ते गीता, मूंखे मुंहिंजो बर्थ सर्टिफिकेट कीअं मिली थो सघे, इन जे बारे में मूंखे जानकारी ॾियो। हा ज़रूर, कास्ट सर्टिफिकेट जी सुविधा भारत सरकार भारतीय संविधान जे अनुसार उपजातियूं ऐं ॿियूं जातियुनि जे भारत जे नागरिकुनि लाइ योजनाऊं ऐं आरक्षण जहिड़ा मुनाफ़ा ॾियारण में मददगार आहे। कास्ट सर्टिफिकेट खे जारी करण लाइ अवां इन्हनि तरीक़नि खे अपनायो। पहिरियों, ई एप्लीकेशन फॉर्म खे डाउनलोड कयो। वरी ॿी काई ग़लती करे सॼी डिस्क्रिप्शन फॉर्म में भरियो। हुन खां पोइ इहो डॉक्यूमेंट पंहिंजे पासे वारे नोटरी वटि खणी हिन खे नोटराइज़ करायो। अप्लाई करण खां पहिरियों हिकु दफ़ा फॉर्म खे चङी तरह पढ़ी वठो। छा मूंखे अप्लाई करण खां पहिरियों कंहिं बि डॉक्यूमेंट्स जी ज़रूरत पवंदी? हा, तव्हांखे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म सां गॾु इहे डॉक्यूमेंट्स बि लॻाइणा हूंदा। हिननि मां कोई बि हिकु पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट, RSBY कार्ड, आधार कार्ड, सरकारी या अर्ध सरकारी पारां जारी कयल पहचान पत्र, पैन कार्ड या मनरेगा जॉब कार्ड, कोई भी प्रमाण पत्र जीअं वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बिजली जो बिल, पाणीअ जो बिल, 7/12, 8A जी कापी, किराए जी रसीद, टेलीफोन जो बिल, राशन कार्ड या प्रॉपर्टी कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट जे लाइ हिकु एफिडेविट, पंहिंजे कहिड़े रिश्तेदार जो कास्ट प्रूफ, पंहिंजे या पंहिंजे पीउ जो प्राथमिक विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र जे प्रति, एप्लीकेंट या हुननि जे पीउ या रिश्तेदारनि जे जन्म प्रमाण पत्र जे प्रति, गवर्नमेंट सर्विस रिकॉर्ड बुक जंहिं में जाती, आवेदक जे पीउ जी, रिश्तेदारनि जी, क़ौमी कोटी जी जानकारी ॾियो। सोशल जस्टिस पारां जारी कयल हिकु जाति प्रमाण जो दस्तावेज़, जांच समिति पारां जारी कयल हिकु पिता या रिश्तेदार जो विधाता प्रमाण पत्र, राजस्व मान्यता या ग्राम पंचायत जे आलेख जी मान्यता जे प्रति जाति जी अधिसूचना जे पहिरियों खां पहिरियों जो निवास प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट जे लाइ छा असांखे काई एप्लीकेशन फीस बि जमा कराइणी पवंदी? न, बिल्कुल न। निवास प्रमाण पत्र लाइ एप्लीकेशन भरण जो प्रोसीजर छा आहे? निवास प्रमाण पत्र जी एप्लीकेशन जी रीत बिल्कुल कास्ट सर्टिफिकेट वांगुरु जारी करण जहिड़ी आहे। हिन मामले में कहिड़े डॉक्यूमेंट्स जी घुर्ज आहे? जेके डॉक्यूमेंट्स अवां खे निवास प्रमाण पत्र जे आवेदन जे लाइ खपण, उहे हिते ॾिनल आहिनि। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, हिननि मां कोई हिकु पहचान पत्र खपे। ध्यान ॾिजो कि एप्लीकेंट जो नालो एप्लीकेशन ऐं आधार कार्ड में हिकु जहिड़ो हुजणु खपे। परफॉर्मा ते सेल्फ डिक्लेरेशन 18 वर्ष सां घटि ॿारनि जे लाइ कंहिं वॾे जी सेल्फ डिक्लेरेशन जी घुर्ज पवंदी आहे। एप्लीकेशन जमा कराइण लाइ एप्लीकेंट जी तस्वीर वेब कैमरा खां
खिची वेंदी। एप्लीकेंट जी फोटो आधार कार्ड जी तस्वीर खां मिलण जरूरी आहे। अवांजो कोई भी हिक रेजिडेंशियल प्रूफ जीअं पहिरियों ॿुधायो वियो आहे। जन्म जो मिसाल जीअं बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। 3 सालनि खां वधीक दिल्ली में रहण जो प्रूफ जीअं एजुकेशन सर्टिफिकेट, बिजली बिल, घर जो टैक्स, पाणीअ जो बिल आदि। ध्यान ॾिजो, इहा जानकारी वठणु ज़रूरी आहे कि सभई डॉक्यूमेंट्स गज़टेड ऑफिसर पारां अटेस्टेड हुजनि। अव्हां खे हुननि जे आई कार्ड जी कॉपी ऐं फोन नंबर बि साण हणणो खपे। छा इन सर्टिफिकेट लाइ असां खे एप्लीकेशन फी ॾियणी पवंदी? न, इहा सेवा बिल्कुल मुफ़्त आहे। हिन सर्टिफिकेट खे इशू थियण में घणो वक़्तु लॻंदो आहे? वधीक न, रेजिडेंट सर्टिफिकेट खाली 14 ॾींहनि में इशू थी वेंदो आहे। वाह, इहा त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। हिन जे अलावा बि ॿियो कोई सर्टिफिकेट आहे जंहिंजी ॼाण असांखे खपणु घुर्जे? असांखे इनकम सर्टिफिकेट जे बारे में बि जानकारी रखणु खपे, जेको कमाई जे सभई साधन ते आधारित हूंदो आहे। हिन एप्लीकेशन जी बि रीत कास्ट सर्टिफिकेट या रेजिडेंट सर्टिफिकेट जहिड़ी ही आहे, जंहिंजी चर्चा असां हाणे हाणे कई हुई। पर फ़र्क़ बस हेतिरो आहे कि इहा सेवा चार्जेबल आहे। इनकम सर्टिफिकेट जी एप्लीकेशन जी फीस घणी आहे? खाली 30 रुपया। वाह, इहो त ॾाढो सस्तो आहे। ऐं इहो इनकम सर्टिफिकेट केतिरनि ॾींहनि में मिली सघे थो? वधीक न, डिनर एप्लीकेशन जी वेरिफिकेशन खां पोइ इनकम सर्टिफिकेट में खाली 7 ॾींहं लॻंदा आहिनि। मां वोटर आईडी लाइ कीअं अप्लाई करे सघां थो? वोटर आईडी ठाहिण जे लाइ अव्हां खे एप्लीकेशन फॉर्म 6 भरण जी घुर्ज आहे। आवेदन जे एक्सेप्ट थियण खां पोइ अव्हां जो नालो वोटर लिस्ट में दर्ज थी वेंदो आहे। छा असां वोटर आईडी लाइ ऑनलाइन बि अप्लाई था करे सघूं? हा बिल्कुल, बस कुझु आसान सा स्टेप पूरा करणा हूंदा। स्टेप 1, भारत जे चुनाव आयोग जे अधिकारी जी वेबसाइट ते वञो। स्टेप 2, हाणे नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल ते क्लिक कयो। स्टेप 3, वरी अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर ते क्लिक कयो। स्टेप 4, डिटेल्स भरियो ऐं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कयो। स्टेप 5, वरी अंत में सबमिट ते क्लिक कयो। सबमिट ते क्लिक करे अवांजी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ते हिकु पर्सनल वोटर्स आईडी लिंक ईंदो। हुन लिंक खां अवां पंहिंजे वोटर आईडी एप्लीकेशन जो स्टेटस ॼाणे सघो था। एप्लीकेशन खां पोइ घणे ॾींहनि में मूंखे मुंहिंजो वोटर आईडी मिली वेंदो? अव्हां खे एप्लीकेशन विझण खां पोइ 1 महीने जे अंदर वोटर आईडी मिली वेंदो। वोटर आईडी जी आवेदन लाइ असां खे कहिड़े डॉक्यूमेंट जी ज़रूरत आहे? हिन जे लाइ अव्हां खे 1 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, 1 आइडेंटिटी प्रूफ ऐं 1 एड्रेस प्रूफ जी घुर्ज हूंदी। अञा ताईं असां सरकारी वेबसाइट खां ज़रूरी जानकारी कढण जे बारे में सिखियो। अचो त हाणे 1 मज़ेदार गतिविधि में हिसो वठूं। मूं डिजिटल लॉकर जे बारे में बि ॿुधियो आहे, अव्हां मूंखे इन जा फ़ाइदा ॿुधाए सघो था? हा बिल्कुल, डिजिटल लॉकर सरकार पारां जोड़ियल डॉक्यूमेंट्स खे एक्सेस करण जे लाइ हिकु सुरक्षित ज़रियो आहे। हे आधार ते प्रदान कई वई प्रमाणिक सेवाउनि जो इस्तेमालु कंदो आहे। हे हिकु त फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स जे इस्तेमाल खे समाप्त कंदो आहे ऐं वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स खे साझा कराइण में सक्षम थींदो आहे। हे नागरिकुनि जे लाइ हिकु समर्पित व्यक्तिगत ई स्टोरेज प्रदान कंदो आहे, जेको हुननि जे आधार संख्या सां जुड़ियल हूंदो आहे। हे सरकारी विभाग ऐं संस्थाउनि में कागज़ी कार्रवाई में थियण वारे एडमिनिस्ट्रेटिव ख़र्चनि खे घटि कंदो आहे।
हे समय ए मेहनत जी बचत कंदो आहे छाकाण हे डॉक्यूमेंट्स कडे भी काथे भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके सा इस्तेमाल करे सगो था। डिजिटल लॉकर्स में साइन अप करण जे लाए केड़ी शयुन जी घुर्ज आहे? अवां के पांजे आधार संख्या ए हुन सा जुड़ी हुई मोबाइल संख्या जी घुर्ज पवंदी। असा डिजिटल लॉकर कीअं ठाहे सघूं था? साइन अप जे लाए डिजिटल लॉकर जी ऑफिशियल वेबसाइट ते वञो, साइन अप बटन ते क्लिक कयो, हुन खां पोए मोबाइल नंबर दर्ज कयो ए कंटिन्यू बटन ते क्लिक कयो। पांजे मोबाइल ते प्राप्त कयल ओटीपी दर्ज कयो ए वेरीफाई बटन दबायो। हुन खां पोए पांजो यूजर नेम ए पासवर्ड दर्ज कयो ए साइन अप बटन ते क्लिक कयो। पांजो आधार नंबर दर्ज कयो ए सबमिट बटन ते क्लिक कयो। ओटीपी दर्ज कयो ए वेरीफाई बटन के चूंडियो। हुन खां पोए पांजे मौजूदा डॉक्यूमेंट्स के ऑनलाइन विझण जे लाए डैशबोर्ड के डिसो। अवी कै भी ईमेल आईडी ते पांजो डॉक्यूमेंट शेयर करे सगो था। अवी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स ते ई साइन भी करे सगो था, जो कि डॉक्यूमेंट्स ते ऑफिशियल डिजिटल हस्ताक्षर जे रूप में इस्तेमाल कया वेंदा आहिन। बैंकिंग भी एक जरूरी सिटीजन सेंट्रिक सर्विस आहे। इया सर्विस कस्टमर के फाइनेंशियल सर्विस उपलब्ध कराईंदी आहे, जै का माण्हुन पांजी जिंदगी बेहतर ठाही आहे। अॼुकल्ह बैंकुन जी सर्विस एडवांस थींदी वञे थी, जेके ग्राहकुन खे लुभाईंदी आहे ऐं मदद भी कंदी आहे। अवां खे कुछ आसान स्टेप्स के फॉलो करणो हूंदो। अवां खे पहिरियों तय करणो हूंदो आहे अवां खे कहिड़े नमूने जो बैंक अकाउंट खपे, जीअं सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या रेकरिंग अकाउंट। हुन खां पोए पंहिंजी पसंद जे कहिड़े भी बैंक में वञी बैंक अधिकारी खां मिलो। स्टेप थ्री, हुन खां पोए पंहिंजो खातो खोलाइण लाइ ओपनिंग फॉर्म भरियो। स्टेप फोर, पंहिंजो बैंक अकाउंट खोलाइण लाइ रेफरेंसेस ॾियो। स्टेप फाइव, वरी हुननि डॉक्यूमेंट्स खे फॉर्म सां गॾु सबमिट कराए छॾियो। स्टेप सिक्स, तव्हांजो बैंक अकाउंट खोलण जो फॉर्म बैंक अधिकारी पारां जांच कयो वेंदो। स्टेप सेवन, आख़िर में अव्हां खे पंहिंजे नए खुलियल अकाउंट में कुझु पैसा जमा कराइणा पवंदा। स्टेप एट, आख़िर में अव्हां पंहिंजी चेकबुक, पासबुक, डेबिट कार्ड ऐं इंटरनेट बैंकिंग डिटेल वठी था सघो। छा तव्हां असांखे इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करण लाइ वधीक ॼाण ॾेई था सघो? हा बिल्कुल, माणे वठो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अव्हांजो अकाउंट आहे। हा, SBI जी इंटरनेट बैंकिंग शुरू करण लाइ सभिनीनि खां पहिरियों अव्हां खे SBI जी ब्रांच ते वञणो पवंदो ऐं ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सर्विस लाइ रजिस्टर कराइणो हूंदो। वरी अव्हां खे पोस्ट पारां ऑनलाइन SBI खे पहिरियों दफ़ा लॉग इन करण जी डिटेल्स मिली वेंदी। हुन खां पोए अव्हां खे हिकु नओ यूज़र आईडी, नओ लॉग इन पासवर्ड ऐं प्रोफाइल पासवर्ड ठाहिणो पवंदो। हुन खां पोए ऑनलाइन SBI इंटरनेट बैंकिंग जी वेबसाइट www.onlinesbi.com ते वञो ऐं लॉग इन बटन ते क्लिक कयो। वरी कुझु मैसेजनि सां गॾु हिकु नओ पेज खुलंदो। अवी हुननि मैसेजनि खे ध्यान सां पढ़ी वठो ऐं वरी कंटिन्यू टू लॉग इन बटन ते क्लिक कयो। वरी हिकु नओ पेज खुलंदो, जंहिं में अव्हां खे SBI पारां ॾिनल यूज़र नेम ऐं पासवर्ड विझणो हूंदो। वरी लॉग इन बटन खे क्लिक कयो। हुन खां पोए अव्हां पंहिंजी पसंद जो यूज़र नेम ऐं पासवर्ड ठाहियो ऐं इस्तेमाल कयो। साण ही अव्हां खे पंहिंजे पसंद जी प्रोफाइल पासवर्ड दर्ज करण जी या ठाहिण जी घुर्ज पवंदी। हिन रीत अव्हां जी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट थी वेंदी। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY जे बारे में त ॿुधो हूंदो। इहा फाइनेंशियल इंक्लूजन जे लाइ हिकु नेशनल मिशन आहे। जन धन योजना जो छा इस्तेमाल आहे?
जनधन योजना इहो पक्को कंदी आहे कि असांखे सस्ते माध्यम खां फाइनेंशियल सर्विसेज मिलण, जीअं बैंकिंग सर्विस, सेविंग्स ऐं डिपॉजिट अकाउंट्स, मोकिलियल रकम, क्रेडिट ऐं बीमा ऐं पेंशन। कंहिं बैंकनि सां असांखे सभु सेवाऊं मिली सघनि थियूं? हिन जे लाइ असांखे कहिड़े बि बैंक जे ब्रांच या बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट या बैंक मित्र ज़ीरो बैलेंस वारो अकाउंट खोलाए था सघूं। अगरि अकाउंट होल्डर चेक बुक वठण थो चाहे त हुन खे मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया पूरो करणो पवंदो। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो खातो खोलण लाइ असांखे कहिड़े डॉक्यूमेंट्स जी ज़रूरत आहे? अव्हांखे खाली आधार नंबर जी घुर्ज पवंदी। अगर अवांजो एड्रेस मर्जी वयो हुने त प्रेजेंट एड्रेस जे लाइ हिकु सेल्फ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट ही काफ़ी आहे। अगर आधार कार्ड न बि हुजे त कोई बि ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जी घुर्ज पवंदी। मिसाल तौर ते वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या मनरेगा कार्ड। अगर हिननि दस्तावेज़नि ते तव्हांजो पतो आहे त हे दस्तावेज़ तव्हांजे पहचान ऐं एड्रेस प्रूफ ॿिन्हिनि जे लाइ कम ईंदा। छा हिननि डॉक्यूमेंट जी जाइ ते ॿिया कोई डॉक्यूमेंट्स बि हणी था सघूं? अगर कंहिं वटि बि हिननि मां कोई बि ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट कोन आहे पर हो बैंक पारां लो रिस्क जी कैटेगरी में आहे त हो ॿुधायल डॉक्यूमेंट्स मां कहिड़ा बि डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे बैंक में अकाउंट खोलाए थो सघे। जीअं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ऐं पब्लिक फाइनेंशियल अथॉरिटीज पारां जारी कयल एप्लीकेंट जी फोटो लगियल आइडेंटिटी कार्ड। गज़रेड ऑफिसर पारां हिकु लेटर जंहिं ते माण्हूअ जी फोटो विधिवत रूप सां अटेस्टेड हुजे। छा तव्हां असांखे PMJDY जी योजना जे बारे में ॿुधाए था सघो? हा बिल्कुल। इहा योजना जमा राशिअ ते ब्याज बि ॾींदी आहे। 1,00,000 जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बि ॾींदी आहे। कहिड़े बि तरह जी मिनिमम बैलेंस जी घुर्ज कोन आहे। इहा 30,000 रुपए जो जीवन बीमा बि उपलब्ध कराए थी, जेको लाभार्थी खे मरण जे पश्चात नॉमिनी खे सभी शर्तुनि जी पूर्ति खां पोइ मिली वेंदो आहे। भारत में किथे बि आसान तरीक़ुनि सां पैसा मोकिलिया वञी सघनि था। 5,000 रुपए ताईं ओवरड्राफ्ट सुविधा हर घर में खाली हिकु अकाउंट में उपलब्ध आहे। ख़ासि तौर ते हे घर जी जाइफ़ुनि खे मिलंदो आहे। सरकारी योजनाउनि जे लाभार्थी खे हिन अकाउंट्स में प्रत्यक्ष ट्रांसफर पारां मुनाफ़ो मिली वेंदो। 6 महीननि जी अकाउंट जी संतोषजनक संचालन खां पोइ ओवरड्राफ्ट सुविधा जी परमिशन मिली वेंदी आहे। पेंशन ऐं बीमा शयुनि खे पाइण। PMJDY जे तहत पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जे दावे जो भुगतान तॾहिं कयो वेंदो जॾहिं रुपए कार्ड धारक कहिड़े बैंक ब्रांच में बैंक मित्र, ATM, POS, ई-कॉम आदि में घटि मां घटि हिकु सफल फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लेन देन कयो हुजे। हिन तरह माण्हुनि खे बीमा योजना जी जानकारी बि हुजणु खपे। जीवन बीमा पॉलिसी बीमा कंपनी सां गॾु हिकु तरह जो कॉन्ट्रैक्ट आहे। प्रीमियम पेमेंट जे बदिले बीमा कंपनी बीमाकृत जी मौत ते माण्हू खे लमसम अमाउंट पे कंदी आहे, जंहिं खे डेथ बेनिफिट चवंदा आहिनि ऐं ॾींदा आहिनि। छा इहा सर्विस ऑनलाइन बि आहे? हा, हिन जे ऑनलाइन पोर्टल पारां जीवन बीमा पॉलिसी वठी था सघूं। छा अव्हां मूंखे ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसी वठण लाइ वधीक जानकारी ॾेई था सघो? हा बिल्कुल। LIC जी ई टर्म खे प्राप्त करण जे लाइ अव्हां खे हे स्टेप्स फॉलो करण जी घुर्ज आहे। स्टेप 1, सभिनीनि खां पहिरियों www.licindia.in ते वञो। स्टेप 2, बाय ऑनलाइन खे चूंडण खां पोइ ई टर्म खे चूंडियो। वरी पंहिंजी पक राशि ऐं पॉलिसी टर्म्स चूंडियो।
ध्यान दिजो पॉलिसी टर्म उहा अवधि आहे जंहिंखां पोइ अवीं कवर चाहींदा आहियो। अगर अचानक पॉलिसी होल्डर जी मौत थी वेंदी आहे त बीमा राशिअ जो पैसो नॉमिनी खे डि॒नो वेंदो। वरी हुन फॉर्म में कुझु बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करणी हूंदी आहे, जीअं नालो, उमर, जेंडर, क्वालिफिकेशन आदि। हुन खां पोइ हिकु प्रीमियम कैलकुलेटर चूंडियल पैरामीटर जे लाइ प्रीमियम खे कैलकुलेट कंदो। बीमा किश्त, उमर, जेंडर, टर्म्स, एश्योर्ड सम, हेल्थ, तंबाकू यूसेज ते आधारित हूंदी। 50 लख खां वधीक सुनिश्चित राशिअ ते गैर तंबाकू खाइण सां बीमा जा प्रीमियम रेट्स घटि थींदा आहिनि। वरी एनुअल, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली मां कोई भी हिकु प्रीमियम पेमेंट मोड चूंडियो। www.licindia.in ते ऑनलाइन फॉर्म भरियो ऐं ऑनलाइन ही प्रीमियम पे कयो। स्टेप 8, ऑनलाइन पेमेंट खां पोइ इलेक्ट्रॉनिक रिसीप्ट ज़रूर रखो। छा सरकार पारां बि काई ऑनलाइन स्कीम डि॒नी वई आहे? हा, सरकार अटल पेंशन योजना प्रोवाइड कराए थी, जंहिं जे तहत वीकर सेक्शन जा माण्हू पंहिंजे बुढ़ापे जे लाइ हिकु अमाउंट जमा कराए रखी था सघनि ऐं गारंटीड मंथली पेंशन अमाउंट प्राप्त करे था सघनि। हिन योजना जे तहत ग्राहक खे 60 साल जी उमिरि खां पोइ हुन जे योगदान राशि ऐं अवधि जे आधार ते पेंशन प्राप्त थींदी। मां अटल पेंशन योजना लाइ कीअं अप्लाई कयां? अवी हिन योजना जे लाइ बैंक वेबसाइट्स ऐं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स ते ऑनलाइन उपलब्ध हिक सब्सक्राइबर फॉर्म जे माध्यम सां अप्लाई करे सघो था। जीअं ई अगर अवां खे बैंक खां अप्लाई करणो आहे त हे स्टेप्स फॉलो कयो। स्टेप 1, पहिरियों काई बि वेबसाइट सां अटल पेंशन योजना जो फॉर्म डाउनलोड कयो या फिर हिन बैंक सां प्राप्त करे वठो। स्टेप 2, फॉर्म भरियो ऐं इहो ध्यान रखजो कि ॾेई वई सॼी इन्फॉर्मेशन सच ऐं सही आहे। स्टेप 3, फॉर्म सां गॾु आधार कार्ड जी फोटो कॉपी ज़रूर हणियो। स्टेप 4, वरी जेके पेंशन अव्हां खे 60 सालनि जी उमिरि खां पोइ खपे हुन जो चयन कयो। हुन खां पोइ तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी कि अव्हां खे सॼे साल में घणी प्रीमियम भरणी आहे। स्टेप 5, वरी पंहिंजो सेविंग्स अकाउंट नंबर एंटर कयो। अगरि तव्हां वटि सेविंग्स अकाउंट नंबर कोन आहे त इहो सेम ब्रांच में नॉर्मल कंडीशन सां गॾु या जन धन योजना सां खोले था सघो। स्टेप 6, चूंडियल पेंशन राशिअ जे तहत हर महीने तव्हांजे जमा खाते सां खुद ब खुद प्रीमियम कटिजी वेंदो। हिन जी सहमति तव्हांखे योजना जे लाइ भरियल फॉर्म में डि॒यणी हूंदी। स्टेप 7, इहो सभु भरण खां पोइ अवीं हिकु दफ़ा पंहिंजे बैंक अधिकारी सां पुछो छा हुननि खे फॉर्म सां गॾु कोई बि डॉक्यूमेंट्स जी घुर्ज आहे ऐं उहे अव्हां खे सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करण में मदद कंदा। हिन योजना जे लाइ अप्लाई करण वारे माण्हूअ जी एज लिमिट घणी आहे? 18 खां 60 साल। सरकार हाई रिस्क कैटेगरी जहिड़ा मैकेनिक, मजदूर, इलाही यात्राऊं करण वारा ट्रक ड्राइवर जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJY जे तहत एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मुहैया कराईंदा आहिनि। मां इन योजना लाइ एनरोल कीअं करे सघां थो? अवां प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जे लाइ कुझु सरल स्टेप्स खे फॉलो करे ऑनलाइन एनरोल करे था सघो। पहिरियों पंहिंजे SBI इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन कयो। सफलतापूर्वक लॉगिन करण खां पोइ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लिंक ते क्लिक कयो। फिर हिकु नओं पेज खुली वेंदो जिथे अवां खे योजनाऊं ऐं पंहिंजो अकाउंट नंबर चूंडणो हूंदो। हिन खां पोइ सबमिट बटन ते क्लिक कयो। हिन खां पोइ CIF नंबर चूंडियो ऐं सबमिट ते क्लिक कयो।
हिन खां पोए हिकु ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुली वेंदो जाते अवां खे कुझु बेसिक ऐं नॉमिनी जी डिटेल भरणी हूंदी। कुझु डिटेल जीअं नालो, पतो आदि पहिरियों खां ई दर्ज कयल हूंदो। सभी डिटेल एंटर करण खां पोए एंटर बटन दबायो। हिन खां पोए अवीं सफल रजिस्ट्रेशन जो हिकु मैसेज ॾिसंदव ऐं हिकु रेफरेंस नंबर भी अवां खे प्रदान कयो वेंदो। अवीं स्टेटस जो उपयोग करे पंहिंजो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टेटस भी ॾिसी था सघो। छा त असां खे हिन योजना जो फ़ाइदो वठण लाइ एज लिमिट जे बारे में ॿुधाए था सघो? हा हा बिल्कुल, 18 खां 70 साल हिन योजना जी एज लिमिट आहे। छा सरकार बुजुर्गनि लाइ बि कोई बीमा योजना ॾियारे थी? यूनियन कैबिनेट में सीनियर सिटीजन्स जे लाइ वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 VPBY खे मंजूरी ॾिनी वई आहे। 8% प्रति वर्ष जे रिटर्न जी गारंटी दर ते हे योजना 10 सालनि जे लाइ पेंशन प्रदान कंदी। अवी असां खे वधीक जानकारी ॾेई था सघो? इहा योजना 10 सालनि ताईं पके तौर ते पेंशन जी एश्योरिटी ॾींदी आहे। योजना जो एम 60 सालनि जे माण्हुनि खे फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करण लाइ आहे। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना जे तहत मिनिमम पेंशन 500 रुपया ऐं मैक्सिमम 5000 रुपया हर महीने ॾिनी वेंदी। LIC वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में लॉक इन पीरियड 15 साल आहे। ग्राहक वटि मंथली, क्वार्टरली, अर्धवार्षिक ऐं वार्षिक आधार ते पेंशन चूंडण जो ऑप्शन हूंदो। पेंशन सिद्धो ECS या NEFT जे माध्यम सां पेंशन भोगीअ जे बैंक अकाउंट में जमा थी वेंदी। चेक या डिमांड ड्राफ्ट जी घुर्ज कोन आहे। LIC खां प्राप्त नॉर्मल पेंशन ते टैक्स लागू आहे, पर वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना जे तहत भुगतान कयल प्रीमियम खे धारा 80C जे तहत टैक्स खां छूट ॾेई वई आहे। पॉलिसी धारक 3 सालनि जो पूरो थियण खां पोए लोन जो लुत्फ़ माणे थो सघे। ख़रीद अमाउंट जो 75% राशि हाईएस्ट पॉसिबल लोन राशि हूंदी आहे। पेंशन भोगी जी मौत ते नॉमिनी जो इन्वेस्टेड अमाउंट वापसि मिलंदो आहे। हाणे जॾहिं तव्हां एक्सेसिंग सिटीज़न सर्विसिस जे बारे में घणो ई कुझु ॼाणो था, त हिन एक्टिविटी में भाग वठो। को अहिड़ी कोई सर्विस सरकार पारां ॾिनी वञे थी जेका लैंड डिटेल्स एक्सेस करण में मददगार आहे? हा, सेंट्रल ऐं स्टेट गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड जे लाइ ऑनलाइन लेन जी कोशिश में जुटी आहे। भारत जे रियल एस्टेट सेक्टर में वधीक पारदर्शिता लेन जे लाइ इलाही राज्यनि पहिरियों खां ही पंहिंजे लैंड रिकॉर्ड खे कम्प्यूटराइज़्ड कयो आहे। इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। इन सर्विस खे मां कीअं वठां? खाली अवां खे कुझु इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉलो करण जी घुर्ज आहे। सभिनीनि खां पहिरियों पंहिंजे स्टेट जे आधार जे लाइ वेबसाइट ते वञो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगरि अवां जी लैंड उत्तर प्रदेश में आहे त अवां खे www.bhulekh.up.nic.in लिंक ते वञणो हूंदो। स्टेप 2, वरी अवां उहा डिस्ट्रिक्ट चूंडियो जंहिं में अवां जी ज़मीन मौजूद आहे। माणे वठो अवीं सूची में गौतम बुद्धा नगर खे चूंडियो आहे। स्टेप 3, हिन खां पोए तहसील या राजस्व मंडल खे चूंडियो जंहिं जे अधिकार क्षेत्र में उहा ज़मीन ईंदी आहे। तहसील जी तालिका में गौतम बुद्धा नगर जो चयन कयो। हिन खां पोए पंहिंजो गांव या इलाइक़ो चूंडियो। माणे वठो अवीं ज़मीन अट्टा गुजरान में आहे। रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेंशन ज़मीन नंबर प्रदान करे लैंड डिटेल भी प्राप्त करे था सघो, जेके आसानी सां ऑनलाइन मिली वेंदी आहे। मिसाल ते माणे वठो असांजो केस में 67 आहे। वरी 67 दर्ज कयो ऐं सर्च जो बटन दबायो। अवां खे डिटेल जीअं खसरो ऐं खातो बि नॉर्मल पई सघे थो। अगरि अवां जे लैंड नंबर में वधीक अलॉटीज आहिनि त साइट अवां जे डिटेल खे सर्च कंदी। आख़िर में नीले बॉक्स ते क्लिक कयो जंहिं खां पोए अवीं डिटेल्स ॾिसी था सघो।
मां स्कॉलरशिप जे लाए अप्लाई करण तो चाहियां त छा तां मुखे सरकार पारां दई वई काई अहिड़ी सर्विस जे लाए बुधाए था सघो जेका स्कॉलरशिप जे जुड़ियल मामलन ते कम कंदी आहे। हा बिल्कुल, नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल हिक मात्र समाधान आहे जंहिंजे माध्यम सां स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप खां जुड़ियल जुदा जुदा सर्विसेस प्रोवाइड कई वेंदियूं आहिनि। इहा सर्विसेस आहिनि स्टूडेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीट, प्रसंस्करण जे गॾु ही स्कॉलरशिप जी मंजूरी, स्टूडेंट्स के जुदा जुदा स्कॉलरशिप्स जो वितरण। नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल जो नेशनल ई गवर्नेंस योजना जे तहत हिक मिशन प्रणाली परियोजना जे रूप में खयो वयो आहे। वर्तमान में एनएसपीए में नव भाग वठण वारा मंत्रालय ए विभाग ए 21 पंजीकृत योजनाओं आहिन। हिन मुहिम जो मकसद आहे सिंप्लीफाइड, मिशन ओरिएंटेड, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव ट्रांसपेरेंट स्मार्ट सिस्टम। या स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस के तेज ए प्रभावी डिस्पोजल के इंश्योर कंदो आहे ए बिना काई गड़बड़ी जे फंड लाभार्थी जे खाते में पुजाइंदो आहे। हिन पोर्टल जो इस्तेमाल करे मां स्कॉलरशिप जे लाए कीअं अप्लाई करे तो सघा? हे इलाही आसान आहे, बस अवां खे कुछ स्टेप्स के फॉलो करणो आहे। पहिरियों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ते वञो http://scholarships.gov.in/newstudent-reg-frm ए वरी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज जे माध्यम खां पांजो रजिस्ट्रेशन करायो। सिस्टम पारां डिनल इंस्ट्रक्शन जे अनुसार एप्लीकेशन के भरे ए वरी सबमिट ते क्लिक कयो। सेव करण खां पोए अवां खे हिक टेम्पररी आईडी मिलंदी। वरी पोए जा डिटेल्स भरण लाए पांजी टेम्पररी आईडी ए डेट ऑफ बर्थ भरियो। रजिस्ट्रेशन ए ऑनलाइन फॉर्म जमा करण खां पोए हिक परमानेंट रजिस्ट्रेशन आईडी तांखे मिली वेंदी आहे जेका एप्लीकेशन जे स्टेटस ए रिन्यूअल जे लाए इस्तेमाल थींदो आहे। छा मां फॉर्म सबमिट करण खां पोए पांजी डिटेल एडिट करे तो सघां? न, जेसताईं स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी नथी थे तेसताईं अवां डिटेल्स में बदलाव नथा करे सघो। छा मां फ्यूचर में पांजी स्कॉलरशिप जो रिन्यूअल करे तो सघा? स्कॉलरशिप जे रिन्यूअल जे लाए अवां खे पांजे बैंक अकाउंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ जै खां अवीं पिछले साल रजिस्ट्रेशन करायो हो हिनन सां हिनन शयुनि जी घुर्ज पवंदी। अवीं फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी ते क्लिक करे भी पांजी आईडी वरी ठाहे था सघो। हिन रीत ई हॉस्पिटल सरकार पारां मिलण वारी सभ खां इम्पोर्टेंट सर्विस मां हिक आहे। इहा आईसीटी सॉल्यूशन ते आधारित हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम आहे जेको स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर जे हॉस्पिटलनि जे लाइ आहे। छा अवां कुझु अस्पतालनि जी मिसाल ॾेई सघो था जेका इन सर्विस जी सुविधाऊं ॾियनि था? पोर्टल ते हॉस्पिटल जी लिस्ट आहे जंहिंजे पारां पेशेंट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करे सघे थो। मरीज रजिस्ट्रेशन लाइ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी ORS डेवलप कई वई आहे। हे हिक ऑनलाइन सेवा आहे जाते आधार धारक नागरिक भारत जे जुदा जुदा स्टेट्स ए केंद्र शासित राज्य हॉस्पिटल्स में दाखिले जे लाइ नालो अंकन करे था सघनि। ई हॉस्पिटल पारां असांखे कहिड़ी कहिड़ी सर्विस ॾिनी वेंदी आहे? हिन सर्विस जे माध्यम सां काई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपीडी में अपॉइंटमेंट, लैब जी रिपोर्ट ऐं ब्लड अवेलेबिलिटी जी जानकारी ऑनलाइन थी वेंदी आहे। हे आसान भी आहे। छा इन सेवा पारां मां पंहिंजी ज़ाल लाइ बि अपॉइंटमेंट वठी सघां थो? हा बिल्कुल, हिन जे लाइ कुझु स्टेप्स फॉलो करण जी घुर्ज आहे। पहिरियों स्टेप http://ors.gov.in/copp-appointment.jsp पोर्टल ते वञो। वरी पेशेंट जो आधार नंबर दर्ज कयो। अगरि पेशेंट जो मोबाइल नंबर UIDAI सां रजिस्टर आहे
त UIDAI खां SMS पारां वन टाइम पिन OTP मोकिलियो वेंदो। OPT अपॉइंटमेंट जे लाइ आधार धारक जो UIDAI में पंहिंजे KYC डेटा जे हॉस्पिटल सां शेयर करण जे लाइ परमिशन ॾियणी हूंदी। जेकॾहिं उन जो मोबाइल नंबर UIDAI सां दर्ज कोन्हे त छा करे सघिजे थो? अहिड़े मामलनि में आधार जे अनुसार पेशेंट जो नालो ॾियणो खपे ऐं UIDAI सां डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन करण खां पोइ पेशेंट जो मोबाइल नंबर ऐं ॿिया विवरण जीअं एड्रेस, एज आदि ॾियण जो अनुरोध करणो खपे। जेकॾहिं माण्हू वटि आधार कार्ड कोन आहे त हो ऑनलाइन अप्लाई कीअं थो करे सघे? अहिड़े केसिस में यूज़र खे पेशेंट जी आइडेंटिटी प्रदान कराइण खां पोइ हॉस्पिटल खां OPD कार्ड प्राप्त करण हूंदो आहे। हुन खां पोइ यूज़र खे OPD अपॉइंटमेंट जी डिटेल ॾियण वारा SMS जे ज़रिए हिकु कॉन्फर्मेशन मोकिलींदा आहिनि। आधार नंबर सां पंहिंजी वेरिफिकेशन करण खां पोइ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट्स खे चूंडियो जाते रोगी खे जांच जे लाइ वञणो हुजे। वरी अपॉइंटमेंट जी डेट खे सिलेक्ट करें ऐं हिकु SMS जे माध्यम सां कॉन्फर्मेशन प्राप्त कयो ऐं अंत में चूंडियल डेट या समय ते हॉस्पिटल वञो। आधार हर कंहिं जे लाइ इंडियन गवर्नमेंट जी तरफ़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी पारां जारी कयल 12 आकड़नि वारो अद्भुत पहचान संख्या आहे। मां आधार लाइ कीअं एनरोल थो करे सघां? आधार कार्ड में पाण खे एनरोल करण लाइ कुझु शयुनि जो पालन करण जी घुर्ज आहे। सभ खां पहिरियों एनरोलमेंट जो फॉर्म भरियो। फॉर्म खे भरण लाइ अगर अव्हां खे मुश्किल थिए थी त अव्हीं एनरोलमेंट ऑपरेटर जी मदद वठी था सघो। ऑपरेटर लोकल सपोर्ट जीअं गांव जा अधिकारी, फील्ड इंस्पेक्टर, इंट्रोड्यूसर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, सिविल सोसाइटी आउटरीच, CSOs खां मदद वठी था सघो। हे अव्हां खे गाइड करे सघनि था। छा अव्हां खे कोई डॉक्यूमेंट गॾु खणी वञणो आहे? हा, अव्हां खे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऐं पहचान पत्र, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI, निवास प्रमाण, प्रूफ ऑफ एड्रेस POA, जनम तिथि डेट ऑफ बर्थ DOB ऐं रिश्ते जो प्रमाण प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप POR हिननि डॉक्यूमेंट्स जी हिकु फोटोकॉपी वेरिफिकेशन जे लाइ खणी वञणी हूंदी। अगरि अव्हां हिननि मां काई बि फोटोकॉपी नथा खणी वञो त एनरोलमेंट सेंटर अव्हां खे फोटोकॉपी मुहैया कराईंदो। हिन खां पोइ वेरीफायर POI, POA, DOB, POR डॉक्यूमेंट्स जी जांच कंदो। वरी वेरीफायर वैलिडेट कयल डॉक्यूमेंट्स जी फोटोकॉपी ते साइन कंदो ऐं मोहर हणंदो। हिन खां पोइ एनरोलमेंट ऑपरेटर एनरोलमेंट फॉर्म खे एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में वेरीफाइड डेमोग्राफिक रेजिडेंट डेटा विझंदो आहे। अगरि अव्हां जो डेटा रजिस्ट्रार्स आइडेंटिफायर जे पारां सुधारियो वियो आहे त एनरोलमेंट ऑपरेटर रेजिडेंस डेमोग्राफिक जी जानकारी खे जांच कंदो आहे, ठीक कंदो आहे या वरी हुन खे पूरो भरंदो आहे। हिन खां पोइ एनरोलमेंट ऑपरेटर वेलफेयर सर्विसेज जे वितरण में लॻल संगठन सां गॾु अव्हां जी जानकारी साझा कराइण जे लाइ अव्हां जी सहमति घुरंदा। हिन खां पोइ ऑपरेटर यस या नो जे रूप में अव्हां जो रिस्पॉन्स ख़बर करण लाइ एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में हिकु सही ऑप्शन खे चूंडंदो। एनरोलमेंट ऑपरेटर खे इहो जांचणो आहे कि RGI जनगणना सेंसस अधिकारियुनि जी आबादी जनगणना सर्वेक्षण जे लाइ अव्हां जे घर जो दौरो कयो आहे ऐं NPR रसीद नंबर ॾिनी आहे। वरी उहो एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में NPR नंबर विझणो आहे। छा 5 सालनि सां नंढा ॿार इन में एनरोल थी सघनि था? हा बिल्कुल, 5 साल सां घटि उमिरि जे ॿारनि जे केसिस में माउ पीउ या अभिभावक जे नाले जो आधार एनरोलमेंट नंबर मां सां हिकु दर्ज कयो वेंदो आहे।
एनपीआर नंबर दर्ज कराइण खां पोइ एनरोलमेंट ऑपरेटर हे दिसण जे लाइ जांचींदो आहे कि छा अवां जी अखियूं ऐं आंगुर गायब या अंग विच्छेद आहिन या न आहिन। एनरोलमेंट सेंटर सुपरवाइजर हिन जी पुष्टि कंदो आहे। अगर अवां जे वटि कोई बायोमेट्रिक एक्सेप्शन आहे त हुन खे बायोमेट्रिक एक्सेप्शन्स जे रूप में डेमोग्राफिक स्क्रीन ते बि दर्ज कयो वेंदो। ऑपरेटर मिसिंग आई इंडिकेशन या मिसिंग फिंगर इंडिकेशन जे विवरण में भी सही जानकारी दर्ज कंदो आहे। हिन खां पोइ ऑपरेटर अवां खां पुछंदो कि छा अवां अवां जे प्रेजेंट बैंक अकाउंट खे अवां जे आधार सां जोड़ण चाहियो था या अवां जे आधार जे आधार ते हिकु नओ बैंक अकाउंट खोलण चाहियो था। अगर अवां फाइनेंशियल इंक्लूजन जी योजना जो हिस्सो ठहिण चाहियो था त ऑपरेटर हे हिन जी जांच कंदो अवां जे वटि काई बि बैंक मासा हिकु में प्रेजेंट अकाउंट आहे या न। अगर रजिस्टर्ड कॉमर्शियल बैंकुन मासा कंहिं में बि अवां जो अकाउंट आहे त ऑपरेटर खे बैंक जो नालो IFSCI कोड ऐं अकाउंट नंबर जहिड़ी अकाउंट डिटेल्स प्राप्त करण खपे। अगर अवी हिकु नओ अकाउंट खोलण चाहियो था त ऑपरेटर एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में हिन खे मेंशन कंदो। फ्यूचर में अवां जे लाइ हिकु खातो खुली वेंदो। वरी एनरोलमेंट ऑपरेटर वेब कैमरा पारां अवां जे चेहरे जी तस्वीर वठंदो। अगर अवां जे वटि मिसिंग आई इंडिकेशन या मिसिंग फिंगर इंडिकेशन आहे त हिन कैमरा खां फोटो खिची वेंदी। हिन तरह एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स IRIS जी जानकारी लिखंदो ऐं एनरोलमेंट ऑपरेटर बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट जी जानकारी भी लिखंदो। हिन खां पोइ ऑपरेटर अवां जे साम्हूं रखियल हिकु मॉनिटर ते दर्ज थियल डेटा ॾेखारींदो ऐं घुर्ज पई त ऑपरेटर अवां खे सभई डिटेल पढ़ी करे ॿुधाईंदो ताकी हे इंश्योर कयो वञे अवां जी सभई डिटेल्स सही आहिनि। अगर अवीं डेटा में काई बि तरह जे सुधार जी मांग कयो था त एनरोलमेंट ऑपरेटर खे एनरोलमेंट क्लाइंट सॉफ्टवेयर में सुधार करणो पवंदो। छा हिन तब्दीली लाइ बे काए डॉक्यूमेंट जी घुर्ज आहे? हा, उपनालो मटजण जहिड़ा वॾा बदलावन करण लाइ एनरोलमेंट ऑपरेटर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस घुर्दो। अंत में एनरोलमेंट ऑपरेटर हुन आधार जे लाइ कॉन्फर्मेशन ऐं साइन ऑफ जे लाइ अवां जो फिंगरप्रिंट प्रदान कंदो जो आधार एनरोलमेंट क्लाइंट में दर्ज कयो वेंदो आहे। एनरोलमेंट एजेंसी सुपरवाइजर जे फिंगरप्रिंट जी घुर्ज थींदी। अगर कोई अपवाद जीअं आंगुर या अख जी कमी ऐं अगर बायोमेट्रिक जी क्वालिटी सुठी न आहे तॾहिं बि फोर्स कैप्चर ऑप्शन जो इस्तेमाल कयो वेंदो आहे। परिचयकर्ता जे आधार ते एनरोलमेंट जे केस में परिचयकर्ता खे पंहिंजे फिंगरप्रिंट सां साइन ऑफ करे हे साबित करणो हूंदो आहे कि दर्ज कयल सभी जानकारी सही आहे। अगर परिचयकर्ता एनरोलमेंट जे दौरान पाण मौजूद न आहे त एनरोलमेंट वारे ॾींहं जे अंत ताईं परिचयकर्ता जे पारां वेरीफाई कराए सघिजे थो। हिन तरह परिवार जा प्रमुख HOF बेस्ड एनरोलमेंट जे केस में परिवार जे हेड खे हुन जे फिंगरप्रिंट खां साइन ऑफ करणो हूंदो हे सुनिश्चित करण जे लाइ कि दर्ज कयल जानकारी सही आहे। अंत में ऑपरेटर खे अवां जे पारां सिलेक्टेड लैंग्वेज खे चूंडणो हूंदो जंहिं में प्रिंट रिसीट ते लीगल डिक्लेरेशन टेक्स्ट प्रिंटेड हूंदो। हुन खां पोइ ऑपरेटर एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऐं हिकु A4 साइज़ जी शीट में सहमति फॉर्म प्रिंट कंदो। ऑपरेटर खे केंद्र खां प्राप्त शीट खे फाड़णो हूंदो। ऑपरेटर स्लिप ते साइन कंदो ऐं अवां खे ॾींदो। हुन खां पोइ अवां खे सहमति फॉर्म ते साइन करणो हूंदो ऐं हिन खे ऑपरेटर खे वापसि करणो हूंदो। अगरि निवासी 5 साल सां घटि जो ॿार आहे त ॿार जे माउ पीउ अभिभावक जंहिंजे एनरोलमेंट ID सॉफ्टवेयर में दर्ज कई वियो आहे सहमति फॉर्म ते साइन कंदो। POA, POI ऐं DOB प्रमाणुनि सां सहमति फॉर्म खे वरी रजिस्ट्रार पारां निर्धारित प्रोसीजर जे अनुसार जमा कयो वेंदो आहे। इहो ॾाढो सुठो, पर जे ज़रूरी हुजे छा आधार नंबर मिलण खां पोइ
उनमें तब्दीली थी सकती थी। जरूर, अगर निवासियों के काई भी डेमोग्राफिक या बायोमेट्रिक डेटा के अपडेट करण जी जरूरत आहे, तो हो अपडेट एनरोलमेंट प्रोसीजर जो इस्तेमाल करे सकन था। हे प्रोसीजर नई एनरोलमेंट जे समान आहे, मां हिन प्रोसीजर के एक्सप्लेन कया थी। यो प्रोसीजर कैप्चरिंग रेजिडेंट डेमोग्राफिक डेटा सा शुरू थींदो आहे। अहड़ो करण जे लाए अवां के मेन्यू बटन ते क्लिक करणो हुंदो, वरी लाइफ साइकिल चेंजेस ते क्लिक करणो हुंदो, ऐं वरी अवां के अपडेट रेजिडेंट इन्फॉर्मेशन ऑप्शन चूंडणो हुंदो। हिते फर्स्ट स्टेप आहे कि आधार नंबर ऐं निवासी जो नालो भरणो आहे। इहो याद रखजो कि अपडेट एनरोलमेंट शुरू करण जे लाए आधार नंबर ए निवासी जो नालो जरूरी आहे। एनपीआर भी एक जरूरी फील्ड आहे, लेकिन हे उपलब्ध न आहे, त अवा नॉट गिवन चेक बॉक्स के सिलेक्ट करे था सगो। अगर निवासी एक नवजात आहे, त कृपया चेक बॉक्स में द रेजिडेंट इज लेस देन 5 years old के चूंडियो। अगर निवासी के पांजी बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करण जी जरूरत आहे, त प्लीज अपडेट बायोमेट्रिक डिटेल्स जे चेक बॉक्स के चूंडियो। अगले स्टेप में नाले में सुधार करे सगूं था। नालो एक जरूरी फील्ड आहे, जै में भले ही सुधार जी जरूरत न हुंदी आहे, तदी भी हे भरायो वेंदो आहे। नाले में सुधार करण जे लाए ऑपरेटर के न्यू नेम टेक्स्ट बॉक्स जे पासे देखायल एडिट आइकन ते क्लिक करणो हुंदो। हे एक न्यू नाले जो बॉक्स ठायो वयो आहे। नाले में काई भी किस्म जे सुधार जे लाए काई भी वैलिड डॉक्यूमेंट यानी आइडेंटिटी प्रूफ यानी वेरिफिकेशन जे लाए पीओआई सा नालो मिलायण जी जरूरत आहे। अगलो कदम निजी जानकारी में सुधार करणो आहे। हिन सेक्शन में जेंडर ए एज या डेट ऑफ बर्थ में सुधार शामिल आहे। एडिट आइकन ते क्लिक करे हिन के ठीक कयो वनी सगे थो, जेको हुन खां जुड़ियल फील्ड्स के एनेबल कराइंदो आहे। अगले स्टेप में संपर्क जी जानकारी में सुधार शामिल आहे। मौजूदा कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कॉन्टैक्ट सेक्शन जे हेडर बार जे दाई पासे उपलब्ध एडिट आइकन ते क्लिक करे ठीक कयो वनी सगे थो। ऑपरेटर पारा मोबाइल ए ईमेल फील्ड्स के छड़े एडिट ते क्लिक करण खां पोए कॉन्टैक्ट पर्सन जे अंतर्गत सभी फील्ड्स एनेबल थी वेंदियूं। हे ऑपरेटर पारा ध्यान रखियो वञण खपे कि हे सभी फील्ड्स ठीक सा भरियल हुजन। एड्रेस फील्ड में कोई भी चेंज वेरिफिकेशन जे लाए एड्रेस जो पार्ट प्रूफ जी हिक वैलिड डॉक्यूमेंट जिस सा समर्थित हुजन खपे, मतलब वेरिफिकेशन जे लाए पीओए। निवासी जे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के सही करण जे लाए ऑपरेटर के डिनल फील्ड लाए संबंधित एडिट आइकन ते क्लिक करणो हुंदो। हिन पेज जे अंतिम फील्ड में मतलब इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सहमति जे लाए निवासी जे अनुरोध जे अनुसार साझो कयो वनी सगे थो। एनरोलमेंट डेटा जी अपडेशन में अगलो स्टेप आहे रेफरेंस देण। रेफरेंस बटन के क्लिक करण खां पोए संबंधित पेज खुली वेंदो। हिन स्टेप में वेरिफिकेशन जे लाए सही कई वई डिटेल्स जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो प्रावधान शामिल आहे। डेमोग्राफिक डिटेल्स में बदलाव जे लाए अवां के मान्य दस्तावेज जी पहचान पत्र पीओआई जे रूप में ए निवास प्रमाण जमा कराइणो हुंदो। आइडेंटिटी प्रूफ ए एड्रेस प्रूफ जे मुताबिक ड्रॉप डाउन बटन हिन जे हर सेक्शन में कयल सुधार जे आधार ते एनेबल थींदा। ऑपरेटर के डिनल ड्रॉप डाउन मेन्यू में उन्हें ही डॉक्यूमेंट जे नाले के चूज करणो हुंदो जी वेरिफिकेशन जे पर्पस जे लाए निवासी पारा जमा कयल आहे। अगले पेज ते संबंधित डिटेल फील्ड भरियो। हे डिटेल्स जरूरी आहिन अगर एनरोल्ड निवासी हिक नवजात मतलब 5 साल सा घट उम्र जो आहे ए अन्य निवासियों जे लाए ऑप्शनल आहे।
हिकु नवजात निवासीअ जे लाइ ऑपरेटर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन सां संबंध चूंडणो हूंदो ऐं हुन खे नालो ऐं एनरोलमेंट आईडी या आधार नंबर दर्ज कराइण जी घुर्ज आहे। 5 साल ऐं हुन खां वधीक उमिरि जे निवासीअ जे लाइ अगरि विकल्प वेरीफाई यूज़िंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चूंडियो वियो आहे त रिलेटिव डिटेल्स फील्ड खे गैर अनिवार्य या वैकल्पिक माणो वेंदो आहे। 5 साल ऐं हुन खां वधीक उमिरि जे निवासीअ जे लाइ अगरि विकल्प इंट्रोड्यूसर शैल वेरीफाई द रेजिडेंस आइडेंटिटी एड्रेस चूंडियो वियो आहे त रिलेटिव डिटेल्स जो सत्र गैर अनिवार्य या वैकल्पिक थी वेंदो आहे। 5 साल ऐं हुन खां वधीक उमिरि जे निवासीअ जे लाइ अगरि हेड ऑफ फैमिली शैल वेरीफाई द रेजिडेंस आइडेंटिटी एड्रेस जो ऑप्शन चूंडियो वियो आहे त रिलेटिव डिटेल्स क्षेत्र कंपल्सरी थी वेंदो आहे। एनरोलमेंट डेटा जे अपडेशन जो आख़िर स्टेप रसीद जी छपाई आहे। एनरोलमेंट फॉर्म में चेंज डेटा सेट करण खां पोए या डिनल डेटा सां हिकु सफल विंडो डिस्प्ले कंदो। सक्सेस मैसेज हिन खां ख़बर पवंदी आहे कि एनरोलमेंट डेटा में अपडेशन सफलतापूर्वक पूरो थी वियो आहे। एनरोलमेंट आईडी एनरोलमेंट पूरो थियण खां पोए जेका आईडी जनरेट थींदी आहे हुन खे एनरोलमेंट आईडी चवंदा आहिनि। उहा रसीद ते बि प्रिंटेड हूंदी आहे। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जे प्रिंट खे लोकल लैंग्वेज में करण लाइ हिकु चेकबॉक्स बि आहे। रसीद में लोकल लैंग्वेज में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो प्रिंट करण जे लाइ हिन बॉक्स खे चूंडणो हूंदो। हिन विंडो जे हेठां 3 बटण डिस्प्ले थींदा आहिनि। हिननि जो इस्तेमाल एनरोलमेंट रसीद जी छपाई जे लाइ डॉक्यूमेंट्स खे अटैच करण जे लाइ ऐं अगले नामांकन में वञण जे लाइ कयो वेंदो आहे। सर्विस डिलीवरी जे वक़्त आधार कीअं इस्तेमाल थिए थो? आधार सीडिंग हिकु अहिड़ी प्रक्रिया आहे जंहिं खां निवासियुनि जो यूआईडी सही रूप सां सेवा प्रदाता जे लाइ सेवा वितरण डिलीवरी डेटाबेस में आधार जे प्रमाणीकरण खे जोड़ण लाइ जोड़ियो वेंदो आहे। मुंहिंजो आधार कीअं SBI बैंक खाते सां जुड़ी सघे थो? हिन जे लाइ अव्हां खे SBI इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल www.onlineSBI.com ते वञणो हूंदो। हुन खां पोए माय अकाउंट्स जे हेठां लिंक योर आधार नंबर ते वञो। हुन खां पोए अकाउंट नंबर चूंडियो, आधार नंबर दर्ज कयो ऐं सबमिट ते क्लिक कयो। वरी नक्शे या मैपिंग जी स्थिति जो स्टेटस ग्राहक खे हुन खां पंजीकृत मोबाइल नंबर ते डि॒यो वेंदो। अवी पंहिंजे ATM जो कहिड़ो बि चैनल इस्तेमाल करे ATM पंहिंजे बैंक खाते सां गॾु पंहिंजे आधार खे जोड़े सघो था। हिन जे लाइ पहिरियों पंहिंजो ATM कार्ड स्वाइप कयो ऐं पंहिंजो पिन एंटर कयो। वरी मेन्यू सर्विस रजिस्ट्रेशन खे चूंडियो। हुन खां पोए आधार रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कयो। हुन खां पोए खाते जो टाइप ऐं पंहिंजी आधार संख्या दर्ज कयो। छा असां पंहिंजो आधार मोबाइल फोन सां बि लिंक करे सघूं था? हा बिल्कुल, पंहिंजे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सां 567676 ते हिन तरह SMS कयो। UID स्पेस आधार नंबर स्पेस अकाउंट नंबर। अगर अवां जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड न आहे या अगर अवां जो आधार अवां जे खाते सां पहिरियों ही जुड़ियल आहे त अवां खे SMS से जवाब अची वेंदो। अगर अवां जो मोबाइल नंबर बैंक सां गॾु रजिस्टर्ड आहे त अवां जी रिक्वेस्ट जी कन्फर्मेशन SMS तां मिली वेंदी। वरी अवां जो आधार नंबर UIDAI सां गॾु बैंक ते जांचियो वेंदो। अगर हे जांच असफल रही त उपभोक्ता खे हिकु SMS मोकिलियो वेंदो कि हो SBI शाखा सां पंहिंजे आधार नंबर या ई आधार सां गॾु संपर्क करनि। असां आधार खे बैंक ब्रांच सां गॾु कीअं लिंक करे सघूं था? कंहिं बि SBI ब्रांच में आधार नंबर या ई आधार जी कॉपी वठी वञो।
शाखा में आधार पत्र जी जेरोक्स प्रति सां गड अनुरोध पत्र जमा कराइणो हुंदो। जरूरी जांच का पोए शाखा ते लिंक कयो वेंदो आहे। अवां जे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ते हिन प्रक्रिया जी जानकारी SMS तां दई वेंदी आहे।